नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए चैनल गार्डनिंग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कभी भी किसी पार्क में जाते हैं या फिर किसी दोस्त के गार्डन में जाते हैं तो वहाँ के सुंदर सुंदर गुलाब के फूल को देख कर ये सोचते हैं कि काश हमारे गार्डन में भी ऐसे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल होते, और यही सोचकर हम फूल के दुकान या किसी नर्सरी में जाते हैं और अपने पसंद के गुलाब के पेड़ को लेकर आते हैं और अपने बगीचे में लगा देते हैं, और हर पेड़ की तरह हर रोज हम उसमें पानी देते हैं। बहुत दिन तक ऐसा करने के बावजूद अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। दोस्तों, जैसे हर जानवर का खाना अलग होता है और सबका देखभाल करने का तरीका अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह हर पेड़ का खाना अलग होते हैं और उनके देखभाल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए गुलाब के पेड़ का खाना अलग होते हैं और उनको देखभाल करने का तरीका भी अलग ही होता है। हमारे ये चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप अपने बगीचे में पेड़ों के देखभाल आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देना। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी गुलाब का पेड़ को आप दुकान से या किसी नर्सरी से लाने के बाद आप अपने घर में, जमीन पर या फिर किसी गमले में कैसे अच्छे तरीके से पॉटिंग करा सकते हैं। आज की इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि गुलाब के फूल कितने तरह के होते हैं और आपके लिए सबसे अच्छा गुलाब के फूल कौन सा है। गुलाब का फूल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हाइब्रिड टी रोज, जिसे एचटी रोज भी कहा जाता है। ये आकार में बाकी सबसे बड़े होते हैं। ऐसे तो हाइब्रिड टी रोज बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ चुनिंदा और बेहतर किस्म के हाइब्रिड टी रोज के बारे में बात करेंगे जिसको आपके बगीचे में होना ही चाहिए। पहला हो गया इंग्रिड बर्गमन, जिसका रंग लाल यानी कि रेड कलर की होती है। दूसरा हो गया फ्रीडम, जिसका रंग पीला यानी कि येलो कलर की होती है। तीसरा हो गया टीने के, जिसका रंग सफेद होते हैं यानी कि व्हाइट कलर होते हैं। चौथा किस्म का हाइब्रिड टी रोज का नाम हो गया नारंगा, जो कि ऑरेंज कलर की होती है। पांचवा किस्म का हाइब्रिड टी रोज का नाम हो गया ग्रेट स्कॉट, जो पिंक कलर की होती है। और छठा हाइब्रिड टी रोज का नाम हो गया बहुरूपी, जिसमें एक से ज्यादा रंग पाए जाते हैं। हाइब्रिड टी रोज के बाद जो दूसरे किस्म के गुलाब होते हैं उसका नाम हो गया फ्लोरीबंडा रोज। फ्लोरीबंडा रोज हाइब्रिड टी रोज से आकार में छोटे होते हैं। ऐसे तो फ्लोरीबंडा रोज बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर किस्म के फ्लोरीबंडा रोज हैं वो हो गया जॉनजन और फंटासिया, जिसे आपके गार्डन में तो होना ही चाहिए। हाइब्रिड टी रोज और फ्लोरीबंडा रोज के बाद जो तीसरे किस्म के गुलाब होते हैं उनका नाम हो गया मिनिएचर रोज। ये मिनिएचर रोज आकार में हाइब्रिड टी रोज और फ्लोरीबंडा रोज से छोटे होते हैं। ऐसे तो मिनिएचर रोज बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर किस्म के मिनिएचर रोज जिनको आपके बगीचे में होना ही चाहिए, उनमें से पहला हो गया चाइल्ड्स प्ले, दूसरा हो गया रोजी, और जो तीसरे किस्म के मिनिएचर रोज हैं उनका नाम हो गया ऑयल प्लम। दोस्तों, हमें लगता है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको अपना पसंदीदा गुलाब का फूल कैसे चुनना है। ये तो सिर्फ एक बेसिक जानकारी थी, और तरह तरह के गुलाब के फूल के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोग बहुत जल्द बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं गुलाब के फूल के बडिंग के बारे में। गुलाब के पेड़ में दो तरह के बडिंग होते हैं। पहला हो गया टी बड और दूसरा हो गया ब्रांच बड। आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टी बड का चुनाव करना चाहिए। टी बड का हाइट जो है कम से कम 5 इंच का होना चाहिए और उसका डाया जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं किसी गुलाब के फूल को किसी दुकान से लाने के बाद उसका पॉटिंग कैसे करना चाहिए। ये गुलाब का पेड़ है जिसे हम लोकल नर्सरी से लेके आए हैं, तो अब आइए बात करते हैं इसे किसी गमले या पॉट में रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले इसको पैकेट से खोलेंगे। इसको ऐसे पैकेट से खोलने के बाद उसके साथ जितने सारे टूस हैं उसको हटा दीजिए, और इसके बाद उसको पानी से अच्छे से धो लीजिए, और ध्यान रखें कि जितना भी टूस है और जितना मिट्टी है सब निकल जाना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं कि इसको पॉट में बैठाने से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला हो गया फंगिसाइड, जिसे सैफ भी कहा जाता है। ये हो गया सुपर फॉस्फेट। ये फ्यूरोडॉन है, जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करती है। ये रोकर है, जिसे चिंडर भी कहा जाता है। और ये है बालू। तो आइए देखते हैं गुलाब का पेड़ को कैसे गमले में बिठाया जाता है। सबसे पहले 1/4 चम्मच
फंगीसाइड को एक मग पानी में मिलाते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसके बाद गुलाब का पेड़ को फंगीसाइड वाला पानी में ऐसे कुछ देर तक डालकर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, मतलब वो मिश्रण जिसको गमले में डालना है। सबसे पहले एक 4 इंची का गमला हम लोग लिए हैं और उसमें सबसे पहले चिंडर डालते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ बालू भी मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद सुपर फॉस्फेट आधा चम्मच डालते हैं और थोड़ा सा फ्यूरोडन मिक्स करते हैं। ये सबको हम लोग अच्छे तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि एक बेहतर किस्म के पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाएगा। सबसे पहले गमले में थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स डालेंगे, उसके बाद गुलाब का पेड़ को फंगीसाइड वाला पानी से निकालकर उसको ऐसे बैठाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पॉटिंग मिक्स जो पहले से हम लोग तैयार किए थे उसको हम लोग ऐसे धीरे धीरे डालेंगे। अब इसको यहाँ तक अच्छे से ढकेंगे और इसके बाद हम लोग बचा हुआ फंगीसाइड वाला पानी भी इसमें डाल देंगे जिसमें कि पहले हम लोग गुलाब का पेड़ को रखे थे। अब इस पेड़ को हम लोग 2 दिन के लिए छाया में रखेंगे और उसके बाद आप चाहें तो बगीचे में धूप में ला सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना गुलाब का पेड़ को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें जरूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर सही में आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी फायदा मिला है तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इससे आपके दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। और अगर आप इस तरह का गार्डनिंग और बागवानी से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। इससे जब कभी हम लोग कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपसे इस तरह के जानकारी वाले वीडियो मिस नहीं होंगे। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।